स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली ने ये 7 क्रिकेटर को बाहर फेंक दिया है। इनको टीम का प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि दोस्तों ये सारे क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में मैच जीता पारी खेलकर अपनी टीम को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आइए दोस्तों ये सारे क्रिकेटर को क्यों टीम में शामिल करना चाहिए था, आप ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। बता दूँ दोस्तों सबसे पहले नाम आता है दोस्तों हनुमा बिहारी का। दोस्तों हनुमा बिहारी एक बहुत ही सुंदर क्रिकेटर है। दोस्तों हनुमा बिहारी यहाँ पे चोट के वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं, इसीलिए वो टीम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, वो टीम से बाहर है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे दूसरे नंबर पे नाम आता है शार्दुल ठाकुर का। दोस्तों मैं आपको बता दूँ शार्दुल ठाकुर को विराट कोहली अपनी टीम में मौका नहीं दे रहे हैं। दोस्तों वो प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं होंगे। फिर दोस्तों चौथे टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर मोहम्मद सिराज को विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। उनके हिसाब से 2 क्रिकेटर को मौका मिलेगा, ईशान शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ऐसे में दोस्तों चीपक का इस स्पिन पीस पे मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों फिर से नाम आता है दोस्तों लास्ट टेस्ट मैच में धुआंधार रन बनाने वाला वाशिंगटन सुंदर को भी विराट कोहली यहाँ पे मौका नहीं दे रहे हैं। दोस्तों वाशिंगटन सुंदर को क्यों मौका देना चाहिए था, यह आप कमेंट करके बताइएगा। बता दो दोस्तों विराट कोहली ने यहाँ पे हार्दिक पांड्या जैसे तूफानी क्रिकेटर को भी टीम में मौका नहीं दे रहे हैं। अकेले दम पे मैच विजेता बनाने वाला हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल करना चाहिए था? अगर आपको भी ऐसे लगता है तो कॉमेंट में बताइएगा। फिर दोस्तों सबसे बड़े खिलाड़ी यहाँ पे KL राहुल को विराट कोहली टीम में मौका नहीं दे रहे हैं। बता दो दोस्तों KL राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं खेला था। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 199 रनों का पारी खेला था, तो उनको टीम में ज़रूर लेना चाहिए था। फिर दोस्तों यहाँ पे विराट कोहली ने मयंक अग्रवाल को भी टीम में मौका नहीं दे रहे हैं। बता दो दोस्तों पिछले समय में डोमेस्टिक में मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक लगा के सबको दिल जीता था। इस बार मयंक अग्रवाल को भी विराट कोहली टीम में मौका नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे रविंद्र जडेजा को भी विराट कोहली मौका नहीं दे रहे हैं। बता दो दोस्तों रविंद्र जडेजा चोट की वजह से टीम से बाहर है, इसीलिए उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा है। फिर दोस्तों लास्ट नाम आता है यहाँ पे रिद्धिमान शाह का, क्योंकि ऋषभ पंत को टीम में मौका देना है और इसीलिए रिद्धिमान शाह को विराट कोहली मौका नहीं देंगे।